नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं यहाँ पे, और वहाँ से क्या बैंक निफ्टी पलट सकता है, क्या बैंक निफ्टी दोबारा से 31,000 के लेवल या 30,000 लेवल को तोड़ सकता है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब ढूंढेंगे हम ऑप्शन चेन डाटा के थ्रू, और देखेंगे कि कल के लिए हमें कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे और देखते हैं, समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम बैंक निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम क्लोजिंग की। तो देखिए 30,445 पे क्लोजिंग आई है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि आप बहुत ही छोटा वीडियो बनाते हैं, मतलब 4-5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उससे चीज़ें क्या समझ में आएंगी। दोस्तों अगर देखो, अगर आपको लेवल देखना आता है ना, तो आपको सिर्फ हार्डली 2 मिनट लगते हैं एक ऑप्शन चेन को समझ के पर्टिकुलर ट्रेड डालने के लिए। अब हर एक स्ट्राइक प्राइस को लेके अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट देखा जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसके 100 पॉइंट ऊपर आप देख सकते हैं, 100-200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, बस ये 3-4 स्ट्राइक प्राइस आपको देखनी है, उसमें आप इजीली काम कर सकते हैं और अपनी समझ सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आप 500 पॉइंट बार का, 600 पॉइंट बार का और फिर 800, ये तो वीडियो एक्सटेंड करने की बातें हैं जो लोग करते हैं, बट मेरे पास इतना ही है कि जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक आसान तरीके से आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड लेने का आइडिया बता सकूँ, किस लेवल पर आपको लेना है वो ट्रेड आप ईज़िली ले सकें। तो फिलहाल हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो देखिए 30,400 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहीं से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो देखने की चीज़ ये है कि देखिए 30,300, 30,200, 30,100, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि 30,300 पे आप देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई कॉल राइटर नहीं है, 30,300 की कॉल में कोई कॉल राइटर नहीं है, 30,300 के पुट में आप देख सकते हो करीब 3,23,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहीं अगर 30,200 की बात करता हूँ तो 30,200 पे कितना है, देखिए 30,200 पे आपको यहाँ पे करीब 3,56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 30,200 की पुट पे। कॉल में देख लेते हैं, कॉल में कितना है, सिर्फ 9,000 का। इसका मतलब क्या है, देखिए 30,300, 30,200, 30,100, यानी 30,200, 30,300 के बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल रहा है तो आप एक कॉल लेके काम करेंगे, वहाँ पे पुट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है, तो इसीलिए आप कॉल लेके काम करेंगे। अब क्लोज हुआ है 30,400 के ऊपर, तो 30,400 पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। 30,400 की जो पुट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,32,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पर, और 30,400 की जो कॉल है वहाँ पे सिर्फ 1,10,000 का है। तो इसका मतलब क्या है कि 30,400 पे भी पुट राइटर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो बैंक निफ्टी 30,200, 30,300 के बीच में सपोर्ट लेगा, 30,400 तक का आपका उसके ऊपर भी टिक सकता है। वहीं अगर 30,500 की बात करते हैं तो 30,500 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, करीब 3,92,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 30,500 की कॉल पे, और पुट पे देख लेते हैं पुट पे कितना है, सिर्फ 2,21,000 का। फिर ऊपर की साइड अगर जाते हैं जो कि हाईएस्ट अच्छा प्रोबेबिलिटी वाले जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 30,700, 30,800 के ऊपर जैसे आपको बैंक निफ्टी मिलता है, या आप ये भी कर सकते हैं 30,650 और 700 की रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना पड़ेगा। हाईएस्ट जो कह सकते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 30,700 का ही है। अगर 30,700 के ऊपर टिक के बैंक निफ्टी 1 या 2 दिन क्लोज दे देता है तो आपको 31,000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 30,700 पे देखिए हो क्या रहा है, 6,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 30,700 की कॉल पे है, बट पुट पे कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ 87,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो क्लियर कट यहाँ पे हमें ट्रेड का अंदाज़ा मिल गया है कि 30,200, 300 यानी 300 के नीरेस्ट हमें कॉल लेनी है और 700 के नीरेस्ट हमें पुट लेके काम करना है। ये हमारे लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के क्लियर कट संकेत हमें दिख रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।